गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर ऑफ 16 वेदर एंड सीजन, सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी, स्टैंडर्ड सेकंड। लेट्स स्टार्ट। डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर वेदर ए एन डी एंड एस ई ए एस ओ एन एस सीजन्स वेदर एंड सीजन मौसम और ऋतुए। ओके, सी हियर, ईटिंग एंड आइसक्रीम, दिस इज अ एक्टिविटी। आप आइसक्रीम कौन से सीजन में खाते हो बेटा? देन वी राइट हियर एस यू एम एम ई आर समर। ड्रिंकिंग हॉट ड्रिंक, तो हॉट ड्रिंक कौन से वेदर में हम लोग यूज़ करते हैं? डब्ल्यू आई एन टी ई आर विंटर। फिर स्विमिंग भी हम समर में करते हैं, एस यू डबल एम ई आर समर। और एन्जॉइंग द रेन, देन इट इज़ रेनी सीजन, आर ए आई एन वाई रेनी। ये पढ़ा हमने सीजन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में। सी दिस इज वेदर। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। रिपीट विद मी, वेदर इज द कंडीशन, वेदर एक कंडीशन है ऑफ द एटमोसफेयर, वातावरण की, एट अ गिवन प्लेस, एक ही जगह पे, एंड अ टाइम, एक ही समय पे। मतलब एक ही समय पे जो टाइम होता है, जैसे मॉर्निंग में कैसा वेदर होता है? कूल। इवनिंग में कैसा होता है? कूल। पर नून में कैसा होता है? हॉट। देन इट्स कॉल्ड वेदर। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर ऑन ऑल साइड। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर ऑन ऑल साइड। जो हमारी अर्थ है वो चारों तरफ से एयर से सराउंडेड है, घिरी हुई है। द एयर इज समटाइम कूल एंड समटाइम हॉट। इट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द वेदर कंडीशन। इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस। जो हवा कभी गर्म होती है, कभी ठंडी होती है, सम टाइम कूल एंड सम टाइम हॉट। इस एयर के कारण वेदर में चेंज होता है। द वेदर डज नॉट रिमेन सेम एवरी डे। द वेदर डज नॉट रिमेन द सेम एवरी डे। एवरी डे वेदर सेम नहीं रहता है। इट कीप ऑन चेंजिंग, ये बदलता रहता है। इट कैन बी सनी, धूप वाला भी हो सकता है, कूल ठंडा, हॉट गर्म, क्लाउडी बादलों वाला, वाइंडी हवा वाला, रेनी बारिश वाला, और स्टॉमी तूफानों वाला। वेदर कुछ भी हो सकता है। सी हियर, दिस इज सनी, धूप पड़ रही है, रेनी बारिश हो रही है, हॉट बहुत तेज़ धूप लग रही है, एंड क्लाउडी बादल हो रहे हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर ऑन ऑल साइड्स। द कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस एट एंड टाइम इज कॉल्ड वेदर। डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर वेदर। चेंजेस एवरी डे, हर रोज क्या बदलता है? वेदर। फिर हम पढ़ेंगे सीजन के बारे में। सीजन when the same type of weather condition continue for a long time, then it is called a season। जब एक ही जैसा weather condition continue रहे बहुत लंबे समय तक, तो उसे बोलते हैं season। There are three main season in India। इंडिया में three main seasons है। They are summer season, rainy season and winter season। ये है, एक तो समर सीज़न है, एक रेनी सीज़न है, और एक विंटर सीज़न। समर सीज़न, इट इज़ वेरी हॉट इन समर। समर सीज़न, समर में जो मौसम होता है वो बहुत ही गर्म होता है। वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ, हम लाइट कॉटन क्लोथ पहनते हैं। वी यूज़ फैन, कूलर एंड एयर कंडीशनर इन समर। समर में हम पंखे चालू करते हैं, कूलर्स और एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं। डे आर लॉन्ग, दिन बड़े होते हैं, एंड नाइट आर शॉर्ट, और रातें छोटी होती है। पीपल
यूज डार्क ग्लासेस एंड अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। पीपल जो लोग हैं वो क्या यूज़ करते हैं, डार्क कलर के ग्लासेस जैसे ब्लैक ब्लू और अम्ब्रेला धूप से बचने के लिए। द हॉट रेज ऑफ द सन, धूप जो सूर्य की बहुत गर्म किरणें आती हैं ना उससे बचने के लिए लोग डार्क ग्लासेस और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। आवर बॉडी स्वीट मोर इन समर, समर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वी फील थर्स्टी एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, हमें प्यास लगती है और बहुत सारा पानी पीते हैं। वी ऑल्सो एन्जॉय कोल्ड ड्रिंक्स, और कोल्ड ड्रिंक्स का भी मज़ा लेते हैं एंड आइसक्रीम तो गर्मियों में हमें बहुत ही पसंद होती है। समर सीजन में सबसे ज़्यादा आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग यूज़ करते हैं। अप्रैल मई जून एंड आर द समर मंथ, जो अप्रैल मई और जून के महीने हैं वो समर के महीने होते हैं, गर्मियों के महीने होते हैं। लॉन्ग दिस लाइन, अप्रैल मई एंड जून आर द समर मंथ। फिर रेनी सीजन, रेनी सीजन मीन्स जिस सीजन में बारिश होती है उसे हम रेनी सीजन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेनी सीजन के बारे में। इट इज़ वेट इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में कैसा होता है, एकदम गीला गीला, वेट मतलब गीला। यूजली इट रेन्स हैवीली ड्यूरिंग दिस सीजन, ज़्यादातर तो रेनी सीजन में क्या होती है, बहुत तेज बरसात होती है। वी यूज़ अम्ब्रेलास एंड रेन कोट, हम अम्ब्रेला और रेन कोट यूज़ करते हैं। द स्काई रिमेन क्लाउडी मोस्ट ऑफ द टाइम, जो स्काई है वो क्लाउडी होता है ज़्यादातर टाइम में। द वेदर, क्लाउडी मीन्स मतलब बादल ही बादल दिखाई देते हैं हमें। द वेदर बिकम कूल व्हेन इट रेन, वेदर कैसा हो जाता है, एकदम कूल कूल जब बारिश होती है। समटाइम वी सी अ रेनबो, कभी कभी हमें रेनबो भी दिखाई देता है। व्हेन जब देयर इज अ ब्राइट सनशाइन, बहुत तेज धूप पड़ रही हो। आफ्टर द रेन, जैसे बारिश आती है बारिश के समय में अगर धूप आ जाए तो हमें ऐसे टाइम में क्या दिखाई देता है, रेनबो। रेन इज गुड फॉर क्रॉप्स, रेन जो है क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है, फसल के लिए बारिश बहुत अच्छी है। अब पहले हमने पढ़े थे यहाँ पे अप्रैल मई जून, जून के बाद आया जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर आर द रेनी सीजन। जुलाई अगस्त 3 मंथ अपन ने समर सीजन के ले लिए और 3 मंथ ले लिए हमने रेनी सीजन के। जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर आर द रेनी सीजन, अंडरलाइन दिस लाइन। ओके, नाउ वी रीड अबाउट विंटर सीजन। इट इज़ वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडा होता है इन द विंटर सीजन, सर्दी के समय में मौसम कैसा होता है, एकदम ठंडा। वी वीयर वूलन क्लॉथ एंड यूज़ ब्लैंकेट एंड क्वाइल्स, आप लोग भी वूलन क्लॉथ पहनते हो, अभी जैसे विंटर चल रही है विंटर में हमने क्या पहन रखा है, वूलन क्लॉथ और ब्लैंकेट, रात को सोते समय ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, क्वाइल्स मतलब रजाई यूज़ करते हैं जो रुई से बनी होती है। वी यूज़ हीटर टू कीप आवर सेल्फ वार्म, और अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़े तो अपने आप को गर्म रखने के लिए हम हीटर का यूज़ करते हैं। डेज आर शॉर्ट, दिन छोटे होते हैं। नाइट आर लॉन्ग, रातें लंबी होती है। वी लाइक टू ईट हॉट फूड, और हमें खाने में गर्म गर्म खाना पसंद होता है। वी लाइक टू ड्रिंक हॉट ड्रिंक लाइक टी और सूप, और हमें पीने में गर्म गर्म ड्रिंक जैसे चाय और सूप। इन सम प्लेसेस इट ऑल्सो स्नोज, और कई कई जगह पे तो बहुत सारे ओले गिरते हैं, बर्फ़ गिरती है। और विंटर के मंथ कौन कौन से होते हैं, दिसंबर जनवरी एंड फेब्रवरी आर द कोल्ड विंटर मंथ। देखो दिसंबर जैसे स्टार्ट हुआ विंटर यानी चालू, फिर जनवरी में विंटर कंटिन्यू और फेब्रवरी में भी सर्दी होती है, मतलब 3 महीने हो गए सर्दियों के। नो, जानने लायक बात है, ड्यूरिंग विंटर मैनी एनिमल हाइबरनेट और स्लीप मोर, इट इज़ बिकॉज इट गेट डिफ़िकल्ट टू सर्च फॉर फूड इन कोल्ड कंडीशन। सर्दियों के समय में जो काफ़ी सारे एनिमल होते हैं वो स्लीप मोड पे चले जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाना ढूंढने में तकलीफ होती है, इस वजह से वो स्लीप मोड पे चले जाते हैं। ड्रॉ अ कलर एनी वन आइटम ऑफ क्लोथिंग विच यू लाइक टू वियर ड्यूरिंग द फॉलोइंग सीजन इन योर नोटबुक। समर सीजन में आप क्या पहनते हो और विंटर सीजन में क्या पहनते हो, ये आपकी एक्टिविटी आपको नोटबुक में करनी है, करके फिर आपको अपने टीचर को चेक करवानी है कि समर सीजन में हम ये कपड़े पहनते हैं उन्हें कलर करना, विंटर सीजन में जैसे हम जैकेट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, वो बना के उसे कलर करना। ओके,
Now, there are two more short season in India. These are spring season and autumn season. S-P-R-I-N-G, spring, A-U-T-U-M-N, autumn. Spring is the season of flower. ये फूलों का season है. It is neither cold or nor hot. ना ही तो ठंडा होता है और ना ही गर्म होता है. Flower bloom everywhere. चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं. Butterflies, bees, birds, everything in nature seem happy. सब खुश दिखाई देते हैं हमें. This season start from mid February. जब फरवरी आधा हो जाता है तब से स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है और लास्ट टिल मार्च, मार्च के लास्ट तक चलता है. ऑटम सीजन, इन दिस सीजन सम ट्रीज शेड देयर लीव्स. द लीव्स ऑफ मैनी ट्रीज ड्राई अप एंड फॉल ऑन द ग्राउंड. इस सीजन के अंदर जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं. द लीव्स ऑफ मैनी ट्री ड्राई अप, काफ़ी सारे पेड़ों की पत्तियां सूख जाती है और ज़मीन पे गिर जाती है. इट इज़ नाइदर हॉट और नॉर कोल्ड, ना ही गर्म होता है ज़्यादा ना ही ठंडा होता है. अक्टूबर एंड नवंबर आर द ऑटम मंथ. अक्टूबर और नवंबर जो है ऑटम मंथ है. अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स, टाइम टू आंसर. इट इज़ वेरी कोल्ड इन समर, देन रॉन्ग. समर में तो हॉट होता है ना. फिर वी आर वियर लाइट क्लोथ इन विंटर, विंटर में लाइट क्लोथ पहनते हैं. नो, वुलन क्लोथ पहनते हैं. दिस इज रॉन्ग. हीटर आर यूज्ड इन रेनी सीजन, रॉन्ग. रेनी सीजन में तो अम्ब्रेला और रेनकोट यूज़ करते हैं, हीटर कहाँ यूज़ करते हैं. रेन इज़ गुड फॉर क्रॉप, रेन जो है क्रॉप के लिए अच्छी है. यस, बारिश होगी तभी फसल उगेगी ना. फ्लावर ब्लूम इन ऑटम, ऑटम में फ्लावर ब्लूम होते हैं. नो, स्प्रिंग में होते हैं फ्लावर ब्लूम. तो देन दिस इज रॉन्ग. ओनली वन इज राइट एंड ऑल इज रॉन्ग. फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. सी क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक. डेज आर लॉन्ग इन समर. द वेदर इज नाइदर हॉट नोर कॉल्ड इन स्प्रिंग. सन ट्रीज शेड, शेड मतलब गिरा देना उनकी पत्तियों को. लीव्स इन ऑटम, ऑटम में कुछ पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं. वी वियर लाइट क्लोथ इन समर, तो क्या होगा. लाइट कॉटन क्लोथ, सीड ओ डबल टी ओ एंड लाइट कॉटन क्लोथ इन समर. वी लाइक टू ईट हॉट फूड, गरम गरम खाना पसंद होता है हमें विंटर में. देन दिस इज फिनिश. राइट अगेन फर्स्ट लॉन्ग, सेकेंड कोल्ड, थर्ड शेड, फोर्थ कॉटन, फिफ्थ हॉट. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. स्नो इज हॉट, स्नो बर्फ क्या गर्म होती है. देन फॉल्स. वी फ्लाई अ काइट ऑन अ रेनी डे, बारिश के दिन में हम काइट कैसे फ्लाई कर सकते हैं. दिस इज फॉल्स. द वेदर इज कूल इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में वेदर कूल होता है. नो, ना ही तो कूल होता है ना ही हॉट होता है. देन नो सॉरी कूल ही होता है, ना ही तो गर्म होता है ना ठंडा, कूल होता है. ट्रू. वी वियर कॉटन क्लोथ इन हॉट वेदर, हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं हॉट वेदर में, गर्म में. यस राइट, हॉट मीन समर, समर में हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं. दिस इज राइट. अब हम करेंगे मैच द फॉलोइंग. चलो बच्चों पढ़ो. समर, समर में क्या आएगा. अम्ब्रेला, फ्लावर, शेडिंग ऑफ लीव, वूलन स्कार्फ, कॉटन क्लोथ. समर में क्या आ जाएगा, कॉटन क्लोथ. फिर विंटर में वूलन स्कार्फ, रेनी में अम्ब्रेला, फिर ऑटम में शेडिंग ऑफ लीव और स्प्रिंग में तो फूल ही फूल होते हैं, फ्लावर्स. फिर है डिफाइन वेदर, वेदर को डिफाइन करना है. नेम थ्री मेन सीजन इन इंडिया, तो डिफाइन वेदर. तो वेदर किसे कहते हैं. द वेदर, सी हियर राइट आंसर. वेदर शॉर्ट टाइम कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, शॉर्ट टाइम कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज
called weather. फिर है name three main season in India. तो first हो जाएगा हमारा summer, S U double M E R, summer. Second हो जाएगा winter. और third हो जाएगा rainy. Describe the autumn season. तो हम क्या लिखेंगे, autumn, A U T U M N, autumn season, neither, N E I G H T E R, neither hot nor cold. फिर है हाउ डू पीपल प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन विंटर. तो इसमें आंसर आ जाएगा पीपल प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय क्लोथिंग वार्म क्लोथ. फिर वाई डू पीपल यूज डार्क ग्लासेज एंड अम्ब्रेला ड्यूरिंग. सी फोर्थ, हाउ डू पीपल प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन विंटर सीजन. पीपल प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय वियर वूलन क्लॉथ एंड हॉट फूड. हॉट फूड क्या करते हैं, ईट हॉट फूड, गर्म खाना खाकर. वाई डू पीपल यूज डार्क ग्लासेस एंड अम्ब्रेलाज ड्यूरिंग समर. आंसर पीपल यूज डार्क ग्लासेस एंड अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. ये आपके आंसर से आप एक बार फिर अच्छे से देख लीजिए और इसमें से उतार लीजिए. डिफाइन वेदर, आप एक नोटबुक लेके बैठिए, इसमें आंसर उतार लीजिए. वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट गिवन प्लेस एंड टाइम. नेम द थ्री मेन सीजन इन इंडिया. एस यू एम एम ई आर समर. सेकेंड डब्ल्यू आई एन टी ई आर विंटर. थर्ड आर ए आई एन वाई रेन. डिस्क्राइब द ऑटम सीजन. ए यू टी यू एम एन ऑटम. एस ई ए एस ओ एन सीजन. एन ई आई टी एच ई आर नाइदर. एच ओ टी हॉट. एन ओ आर नॉर. सी ओ एल डी कोल्ड. ए एन डी एंड. टी आर डबल ई ट्री. एस एच ई डी शेड. T H E I R there. L E A V E S leaves. How do people protect themselves in winter season? Answer people P E O P L E people P R O T E C T protect. T H E M S E L V E S themselves. B Y bye. W E A R wear. W O L L E N woolen. C L O T H cloth. A N D and E A T eat. H O T hot. F O O D F W D food. Then fifth, why do people use dark glasses and umbrella during summer? Answer is P E O P L E people U S E use D A R K dark G L A double S E S glasses A N D and U M B R E double L A S umbrellas T O 2 P R O T E C T protect T H E M S E L V S themselves F R O M from T H the H O T hot R A Y S rays O F of T H the S U N sun. ये हमारा लेसन यहाँ पे फिनिश होता है. अगर आपको लेसन समझ में आया है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चों एक एक वर्ड को स्पेलिंग के साथ
पढ़ के रिपीट करिए ताकि आपको वो वर्ड्स का मीनिंग समझ में आए, उसका प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर हो सके, और जैसे जैसे आप अपर स्टैंडर्ड में जाए आपका प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी आ जाए, स्पीकिंग में फ्लुएंसी आ जाए। ओके बेटा, एक एक आंसर लर्न भी कर लीजिएगा और अपने टीचर्स को सुना भी दीजिएगा लाइक अ गुड स्टूडेंट। ओके बाय, वी मीट इन नेक्स्ट चैप्टर, बाय।